केके स्पन कंपनी के द्वारा पिछले 6 महीने से सैलरी ना देने के कारण कर्मचारियों ने शुरू अपनी हड़ताल कर दी। और आपको बता दें कि यहाँ पर पहले भी जो है लग चुके हैं सैलरी ना देने का ये आरोप कंपनी के द्वारा काम करने का जो है बहाना बनाया जा रहा है और साथ ही दबाव बनाया जा रहा है। सैलरी मांगने पर कंपनी से बाहर करने की धमकी दी जाती है। रीवा शहर में यहाँ पर सिविल निर्माण का भी काम कर रही केके स्पन कंपनी कर्मचारियों से काम तो करवा रही है लेकिन उन कर्मचारियों को कंपनी प्रबंधन द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा। इस बात को लेकर कर्मचारियों ने जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और साथ ही अपनी मेहनत की जो है कमाई को मांगा जा रहा है। और इसके पहले भी यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा वेतन ना मिलने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त भी वेतन भुगतान कंपनी प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया। कर्मचारियों से काम करवाना और साथ ही उन्हें वेतन ना देना ये एक कंपनी का रवैया बन गया है। और मैं यहाँ पर 3 साल से कार्यरत हूँ। किस पद पर हैं? मैं यहाँ पर आपका लाइजनिंग में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और 8-8 हज़ार वाले सैलरी है वाले हैं। यहाँ से 20-20 किलोमीटर से दूर से जाते हैं। अब वो रोते हैं कि साहब पैसा साहब पैसा साहब पैसा। अब उनसे काम तो सब ले रहे हैं लेकिन पैसा अगर ना नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा कैसे चलेगा। अब ये हालत आ गई, किसी का कोई बीमार है, कोई बीमार उनके पास पैसा नहीं है कि जा करके वो अपना इलाज करवा लें। अपने किसी की बीवी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, ये हालत है। खाने में ये हालत है कि बाहर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हालत ये है कि चावल या दाल बेचारे या तो मतलब सब्जी सब्जी खरीदने तक के लिए पैसा नहीं। अपना जैसे भी पीड़ित थे, 2.5 महीने तक मैं उनका इलाज करवाया। 2.5 महीना इलाज होना तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो कीट आती है उससे हो गया होगा। 2.5 महीने रह इलाज करवाया, उस दौरान क्या मैं कहीं जा नहीं पाया कि दूसरी जगह मैं जॉब पकड़ सकूँ। मतलब आपके जब पिताजी कोरोना काल से कोरोना में ग्रसित थे उस समय भी आपको कंपनी के द्वारा कोई मदद? कोई मदद नहीं हुई कि भाई मेरा पेमेंट कर दिया जाए। मैं बहुत बार इनको मैसेज किया, फ़ोन किया, इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब उसके बाद कहाँ फ़ोन करते थे आप लोग? ये सीधे मैं मालिक को फ़ोन करता था, हिमांशु गुप्ता और कबीज गुप्ता। काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ काम और मेरे को 5-6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही है और काम के लिए बोला जा रहा है कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को दिक्कत आ रही है, आप खाना छोड़ दो, 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बोलता है? हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं कि खाना नहीं खाओगे 1-2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है। काम पे ध्यान दो, पूरा काम प्रेशर में करवाया जा रहा है पूरी तरीके से और दबाव देके मतलब काम करवाया। नाम बोला जा रहा है तो बोलते हैं सैलरी तो मेरे को खुद को नहीं मिली है, तुमको क्या घंटा मिलेगी? और ऊपर में कॉल किया जाता है सैलरी के लिए तो बोलते हैं कि तुम बस काम पे ध्यान दो, बाकी सैलरी को भूल जाओ। सैलरी वैलरी का अभी मिलने का कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, सैलरी भूल जाओ। और फिर उनको थोड़ा बहुत और समझाया जाता है तो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो मार के भगाया जाएगा सबको। ये कौन बोलता है? ये हमारे AGM साहब बोलते हैं, एक हैं दिच्चे साहब।